नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के सिरमौर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवा सुरसरी सिंह में फ्री कोविड टेस्टिंग की जा रही है। इस कोविड टेस्ट के अंतर्गत गांव के संदिग्ध लक्षणों वाले पेशेंट को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ये प्रयास ग्रामीण सरपंच और सेक्रेटरी के माध्यम से किया जा रहा है। इस पूरी कोविड टेस्टिंग और गांव में हुए टीकाकरण को लेकर के हम यहां मौजूद गांव के सेक्रेटरी और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत बेलवा सुरसरी सिंह के सचिव दिलीप जी। दिलीप जी, स्वागत करते हैं हम आपका द खबरदार न्यूज पर। तो ये जो कोविड टेस्टिंग चल रही है, तो अब तक लगभग इसके दौरान कितने लोग की टेस्ट की जा चुकी है? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत अंतर्गत जी सीरो सर्वे के अंतर्गत घर घर जाके सभी की लगभग जांच हुई है जी। वो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता की है जी। उसके बाद दो बार कोविड टेस्टिंग हुई है जी, जिसमें फर्स्ट बार 80 लोगों की कोविड टेस्टिंग हुई जिसमें सभी लोग निगेटिव थे जी। इस बार भी अभी भी लगभग 60 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, बाकी चालू है जी। और हमारे ग्राम पंचायत अंतर्गत 70% लोगों को टीका लग चुका है, माने वैक्सीन, और लोगों में अच्छा उत्साह है टीका लगवाने के लिए, लोग लगवा रहे हैं। जैसे खबरों के मुताबिक बातें सामने आ रही हैं कि बहुत टीकाकरण को लेकर के कई सारी भ्रांतियां हैं, तो उन भ्रांतियों को दूर करने में किस तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? बिल्कुल, जैसे गाँव में अफवाह फैल जाती है कि लोग टीका लगवाते हैं, बुखार आती है जी, उस गाँव में ये हो गया वो हो गया, लेकिन हम लोग उनके घर घर जाते हैं, समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और सभी लोग, गांव के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ लोग, हम लोग स्वयं दो बार टीका लगवा चुके हैं, तो यही इन लोगों को समझाइश देते हैं। कुछ भी संगतियां थी, पर अब लोग तैयार हो रहे हैं टीका लगवाने के लिए, लोगों में उत्साह है, लगभग सभी लोग लगवा रहे हैं, और आने वाले समय में 1-8 महीने के अंदर हमारा गांव 100% वैक्सीनेटेड टीकाकरण हो जाएगा जी। इसके साथ ही साथ जो ये भ्रांतियां हैं कि वो बीमार पड़ गया, कहीं डेथ हो जाती है जी, तो जमीनी हकीकत इसकी क्या देखते हैं आप? नहीं, क्या है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जी। ये वैक्सीन 100% सुरक्षित है जी, और लोगों को के बचाव के लिए है, क्योंकि ये जो तीसरी लहर आने वाली है, तो हमारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर्स लोग ये बताते हैं कि ये बच्चों को ज़्यादा संक्रमित करेगी, तो इसीलिए गांव के लोगों से अपन ये बताते हैं कि आप लगवाइए, अपने बच्चों को भी सुरक्षित करिए, और क्या है कि अफवाह में बिल्कुल ध्यान न दीजिए। जैसे बच्चों को टीका लगता है तो हल्का किसी किसी को बुखार आती है, तो इसमें भी रेयर केस में किसी किसी को हल्की बुखार आती है तो दे देते हैं पैरासीटामोल, 1-8 दिन में सब सही हो जाते हैं। और जो ये खबरें चल रही हैं, ये सिर्फ अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह हैं, और अब तो सरकार ने कह भी दिया है कि जो अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और अब तक यहाँ ग्राम पंचायत में लगभग कितने बार कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा चुके हैं? 6 दिन लगातार यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगा है, जिसमें 1 दिन कोवैक्सीन लगी है और 5 दिन कोविशील्ड, और 610 लोगों को सिरमौर में वैक्सीन लगाई गई, ग्राम पंचायत से ले जाके हमारे द्वारा लगवाई गई। दूसरी डोज जो कोवैक्सीन की या कोविशील्ड की वैक्सीन की दूसरी डोज जिनकी आई हुई है जी, तो उनको लगवाने के लिए क्या CSC सिरमौर जाना पड़ेगा या ग्राम पंचायत में? उसके लिए भविष्य में कोई, उसके लिए क्या है कि जैसे कल कोवैक्सीन की डोज सेकंड डोज है केवल लगेगी जी, तो जैसे हमारे पास में पंचायत है, उमरी हो गई, दुलारा हो गया जी, और कन्या स्कूल सिरमौर हो गया कॉलेज के पास, कल लगेगी कोवैक्सीन की सेकंड डोज जी, और 5 तारीख को कोविशील्ड की सेकंड डोज लगेगी, तो सभी लोग लगवा सकते हैं। ग्रामवासियों से अपील भी कर रहे हैं, बाकी जो सुविधा है जैसे हमारे तरफ से जो हो सकता है, ऑटो से ले जाना, ले आना, ये हम करेंगे बिल्कुल जी। और इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए किसी को फर्स्ट डोज अभी लगवानी है जी, तो फर्स्ट डोज कहाँ पर उपलब्ध है, हमारे माध्यम से आप गांव वालों को ये बताएं कि वो कहाँ जाकर के पहली डोज लगवा सकते हैं? डोज क्या है कि 3 और 5 तारीख को तो फर्स्ट डोज नहीं लगेगी, उसके बाद जैसे हमारे वरिष्ठ कार्यालय से हमको प्राप्त होगी जानकारी, तो अभी फिलहाल जैसे
31 पंचायतों में लग रही है। तो इसमें अपने पास के समीपस्थ पंचायत जैसे उमरी हो गई और दुलहरा हो गई, पटरी हो गई, सिरमौर हो गया, इसमें लगती है जी। तो सभी लोग जाके वैक्सीन वहाँ पर जाकर के बिना रजिस्ट्रेशन के लगवा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के, चाहे वो 18 प्लस हों या 60 प्लस हों, 45 प्लस हों। आधार कार्ड, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर लेके जाएं और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। और ग्राम पंचायत में अभी पूर्व में जो कोविड काल रहा, लगभग कितने पेशेंट यहाँ पे रहे हैं? हमारे पंचायत में 4 कोविड पेशेंट थे, जिसमें दुर्भाग्यवश हमारे पंचायत के चौकीदार की डेथ हो गई, और बाकी 3 लोग स्वस्थ हैं। वर्तमान में कोई कोविड पेशेंट अपने पंचायत में नहीं है। टेस्टिंग चल रही, जितने टेस्ट अभी तक हुए हैं सारे नेगेटिव। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर ये टेस्टिंग चल रही है, तो क्या टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो कोविड टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको दिखाने की कोशिश। कोविड टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नॉर्मल व्यक्ति का कोविड टेस्ट किया जाता है। आइए हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा इस कोविड टेस्ट को लेकर के। जो ये कोविड टेस्ट किया जाता है, हाँ, तो ये इसकी रिपोर्ट तुरंत आ जाती है, किट में आ जाती है। इसको क्या बोला जाता है सामान्य शब्दों में? इसको रैपिड एंटीजन किट कहते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें तुरंत ही रिपोर्ट आ जाती है, पॉजिटिव या निगेटिव। हाँ। मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति का रैपिड एंटीजन टेस्ट में निगेटिव रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद क्या कोविड टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है उसे? जनरली तो नहीं होती, पर अगर उससे कोई लक्षण है तो अपन उसको आरटीपीसीआर के लिए भेज सकते हैं। तो आरटीपीसीआर सेकेंडरी रिपोर्ट होती है जब यहाँ से हमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग 25 आरटीपीसीआर कर रहे हैं और 50 रैपिड किट से कर रहे हैं। मतलब 50 रैपिड से कर रहे हैं किट से, और 25 आरटीपीसीआर ये करके होंगे। क्यों ये वाला जो ये सब टेस्ट किए हुए हैं? ये नेगेटिव है? नहीं, ये सैंपल के लिए वहाँ रीवा भेजा जाएगा, ये भेजा जाएगा रीवा, जिला हॉस्पिटल भेजा जाएगा। हाँ। और जो रैपिड टेस्ट है, हाँ, तो वो यही। हाँ जी। लगभग कितने लोग का टेस्ट अभी तक आप लोग कर चुके हैं? अभी तक हम लोग कर चुके हैं 75 लोग। 75 में 25 ये हैं, 25 आरटीपीसीआर आर है और 50 रैप है। तो जो रैपिड 50 हैं तो उनमें सारे नेगेटिव हैं? जी जी। हाँ, अभी तक पूरे नेगेटिव रैप के, अभी तक पूरे नेगेटिव हैं जी। और ये जो टेस्टिंग ड्राइव चल रहा है आपका, तो ये प्रथम दिन यहाँ पर किया जा रहा है, क्या इसके बाद भी किया गया? सेकंड डे है, एक दिन किए थे अपन लोग, एक महीने पहले आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 50 आरटीपीसीआर, 25 और 50 रैट हुए थे जी। आपका नाम? प्रमोद कुमार गुप्ता, लैब टेक्नीशियन सिरमौर। और आपका परिचय जानना? डॉक्टर अरविंद गौतम जी, सिरमौर से जी। तो कोविड टेस्ट से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको दी, और यहाँ पर आपने देखा कि कोविड टेस्ट किस तरीके से किए जाते हैं। दो तरीके की कोविड टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है, रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर। एक रिपोर्ट तुरंत आ जाती है, दूसरी रिपोर्ट को जिला हॉस्पिटल भेजा जाता है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट या टेस्ट तब किए जाते हैं जब किसी भी व्यक्ति में कोविड के सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, और एंटीजन टेस्ट पे वो निगेटिव।